नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधीय वृक्ष दहीमन की। दहीमन के गुण के बारे में, यह कौन कौन सी बीमारियों के बारे में काम में आता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। यह बहुत ही दुर्लभ औषधीय पौधा है, यह बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये हमारे गांव के पास सागर जिले में, यहाँ पर हमने 4-5 दहीमन के वृक्ष ढूंढे हैं, ये मिले हैं। तो यहाँ इसकी सुरक्षा उतनी नहीं है, यह दुर्लभ है, लोगों को पता भी नहीं है कि ये क्या काम में आता है, इसके औषधीय गुण क्या है। तो लोग इसको जलाऊ लकड़ी के तौर पर काट कर ले जाते हैं, या कोई भी काम घरेलू काम के लिए, तो ये कुछ पतली पतली डालियाँ, कुछ छोटे छोटे पौधे हैं ये, या ज़्यादा बड़े हुए नहीं हैं। दहीमन का बॉटनिकल नेम है कार्डिया मैक्लोडिहुक। इसके अन्य नाम है दही पलाश, ढैंगन, दाई बांस, भौटी, पनकी, शिकारी का पेड़, तेज, सागुन, देही पलस और दहीमन। दहीमन का पेड़ जो अब इस समय यदा कदा ही पाए जाते हैं, एक तरह से कहा जाए तो विलुप्ति के कगार पर हैं। लेकिन इस पेड़ का औषधि महत्व इतना ज्यादा है कि लोग इसे ढूंढते फिरते हैं। इस पेड़ के फल, पत्ते, तना, छाल, जड़ सभी उपयोगी हैं। इस पेड़ की छाल और डंठल ब्लड प्रेशर व पीलिया के मरीज के लिए अचूक दवा का काम करती है। अब इस पेड़ का सर्प के विष का प्रभाव समाप्त करने वाली एंटी वेनम दवा बनाने के लिए इस पर शोध चल रहा है। पत्तियों का रस और इसकी छाल का रस पीने से शराब की लत छूट जाती है। इस वृक्ष की लकड़ी का यदि एक कटोरा बना लिया जाए और उसमें दूध रख दिया जाता है तो सुबह वह जम जाता है, दही बन जाता है, इसलिए इसका नाम दहीमन भी है। वृक्ष की यदि छांव में कोई शराबी बैठ जाए तो भी उसका नशा उतर जाता है, कम हो जाता है। और इसकी लकड़ी की कई लोग माला, ब्रेसलेट का उपयोग करते हैं। इसकी लकड़ी के छूने मात्र से भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, कैंसर तक को ठीक करने में यह सक्षम है। जो घाव गहरे हो गए हैं, बहुत ही बिगड़ गए हैं, तो वे घाव भी इसके, यदि हम इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर उस पर लगाते हैं, तो ये घाव भी बहुत जल्दी भर जाते हैं। लीवर की ये सूजन को दूर करता है। इस वृक्ष से कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। लोगों का मानना है कि इस पेड़ की लकड़ी को अपने पास रखने से सांप पास में नहीं आते। जिस घर में शराब बन रही है उस जगह पर अगर इसके पेड़ की टहनी या इसकी एक डगाल रख दी जाए तो शराब में ही पकती। अगर इसके दहीमन के पेड़ के नीचे बैठकर या इसकी लकड़ी पर बैठकर शराब पी जाए तो नशा नहीं होता है। अगर कोई शराबी इस पेड़ की छाया में से भी निकल जाए तो भी उसका नशा उतर जाता है। मान्यता है अगर इस पेड़ की छांव में बैठा जाए तो सारा तनाव ठीक हो जाता है। अगर आप इसके पत्तों पर कुछ लिख दें तो वह कुछ ही देर में उभर कर दिखाई देने लगता है। इन पत्तों का इसी खूबी के कारण इसका इस्तेमाल प्राचीन काल में गुप्त संदेश भेजने में करते थे। इन बीमारियों को करता है ठीक। कैंसर, पीलिया, मानसिक रोग, मोटापा, ब्लड प्रेशर आदि, इस वृक्ष की छालवा पत्तियों का प्रयोग कैंसर के इलाज में लिया जाता है।
क्योंकि दहीमन की छाल में इथेनोलिक अर्क पाया जाता है जो बैक्टीरिया व फफूंद को रोकता है, जो कि एक प्रकार का एंटी कैंसर तत्व होता है। घाव हो जाने पर इसके पत्तों को पीसकर लेप लगाने से घाव जल्दी सूख जाता है। अगर चोट लगने पर अधिक खून बह रहा है तो इसके पत्तों का लेप बनाकर लगाने से खून बहना बंद हो जाता है। लीवर में यदि सूजन है, इसकी छाल का चूर्ण बनाकर सेवन करें तो सूजन कम हो जाती है। पीलिया होने पर इसकी छाल के चूर्ण का सेवन प्रतिदिन करें तो पीलिया में आराम मिलता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और पीलिया गर्मी के कारण गर्मी बढ़ने के कारण होता है। अगर आप मोटापा से पीड़ित हैं तो इसके पत्तों का चूर्ण लेकर उसमें नींबू मिलाकर एक माह तक सेवन करें तो मोटापा कम हो जाएगा। मानसिक रोग से पीड़ित हैं यदि तो इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर उसका सेवन करें तो मानसिक रोग ठीक हो जाता है। जिन्हें ब्लड प्रेशर है, इसकी पत्तियों का चूर्ण का सेवन करें तो आराम मिलेगा। जो लोग शराब की लत से परेशान हैं, वे अगर इसके पत्तों का रस कुछ समय तक करें तो उनकी यह लत छूट जाती है। इसकी पत्तियों का रस सर्पदंश और नशा भी उतार सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।